काडू वो नहीं यार, अनिल की चेली। अच्छा वही जिसे साइकिल पे लिए फिरे था। हाँ हाँ वही वही। अरे क्या हुआ उसका? अरे मैंने सुना उसका रिश्ता हमारे गांव में हुआ है, और वो भी असमनी की गैल। अजी हाँ, क्या कह रहा तू राजू? अरे सही कह रहा मैं। अरे तुझे कैसे पता? अरे रात अश्विनी मेरे साथ बैठा हुआ दारू पी रहा था, तब पी के फिर उसने मुझे बताई। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब उनने मुझे बताई कि अनिल के आ रहे के वह पेपर दे के गई है, तब मुझे विश्वास आया। अरे बहुत पिटा उसके चक्कर में उसने हमें। आज हमारी बारी है, चलो अश्विनी के दौरे चले। चलो चढ़ाऊंगे फिर बताऊंगे अनिल को। चलो चलो। अश्विनी के डबे भाई। अरे आओ भी आओ बैठो। अरे मन्ने सुना तेरा रिश्ता आरती की गल्ला हुआ? हाँ हुआ तो है यार, वह तो बहुत केली खाई है। अश्विनी उस तो अनिल ने बड़े मजे लिए, कदी उसे साइकिल के पीछे बिठावे, कदी उसे साइकिल के आगे बिठावे, हर टाइम। चलो पिताजी। राम राम। राम राम लाली, आ जा। अकेली आई है, पावना ना आया? घर में सब राजी खुशी तो है? घर में सब बढ़िया है, पिताजी आए साथ, अकेली ना आई हूँ मैं। फिर संदीप कहाँ रह गए? जोई साहब, आप तो खम्मा खा बड़े करे मेरे ऊपर। मेरे कहने का मतलब यूँ थोड़े ही है कि आप आरती का रिश्ता हमारे घर में ही करो, बल्कि मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस घर से नाता जोड़ना चाह रहे हो वो आरती के लायक ना है, उसमें तो अड़छड़ और बेईमानी भरी पड़ी। आरती मेरी बेटी है, तेरी ना है, उसके लिए की अच्छा है के बुरा उसका फैसला मैं करूँगा, तुम नहीं। और तुम जैसे दहेज के लोभियों को किसी को सलाह देने की औकात क्या है? कुछ भी ना। आप कैसी बात कर रहे हो जी साहब? दहेज का तुम्हारे घर में मतलब ही ना है, हमने तो बड़े बेटे का ब्याह भी बिना दहेज के कराया। पर मौसा जी, गिरगिट की तरह रंग बदल के पीठ के पीछे कुछ और सामने कुछ कहने वाले बहुत लोग देखे हमने, हमें ना देनी दहेज के लोभियों को अपनी बहन। आंसू, तुझे छोटे बड़े से तमीज नहीं है बात करने की? तू चुप रहे, ठीक कह रहा हो। दहेज के लिए हमारे पास ज्यादा देने को कुछ ना है, किसी और का जाकर दरवाजा खटखटाओ। और सलाह देने के लिए शुक्रिया चौधरी साहब, नमस्कार। नमस्ते। आज मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए, अक मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मतलब आरती उस घर की बहू न बन जावे, इसलिए तुमने उनके दिमाग में बहम डाल दिया, उनकी सच्ची बात को घुमा दिया, दहेज का ढोंग रच दिया। अब मुझे इस घर में एक पल नहीं ठहरना, जा रही हूँ मैं। बेटी सुन तो सही, मैं मानता हूँ मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैंने ये सब कुछ तेरी खातिर ही तो किया, तुझे उस घर में कुछ कमी ना हो, तेरे से कोई चीज छीन ना जावे। आरती तेरे से हर मामले में चार चंदे आगे है, तेरी उस घर में कदर कम ना हो जावे, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसका मतलब पिताजी तुम उस घर में मेरे लिए लड़का नहीं पैसा और सुख साधन देख कर आए थे? ना बेटे, ऐसी बात ना है। यही बात है, अगर पैसे के अलावा तुमने इंसान की परख करी होती तो आज तुम उन लोगों को समझ गए होते, स्वर्ग से भी सुंदर है वो घर। और तुम्हारी इस हरकत ने अनिल और आरती के रिश्ते के बीच में जो बुरा असर पैदा किया है, पता न कौन सा पश्चाताप तुम्हें भगवान से बचाएगा। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ, लालच ने मेरी आंख बंद कर दी थी। जिस तरह तू मेरी बेटी है, आरती भी तो मेरे भाई की बेटी है, मेरी ही बेटी है, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं भूल गया था, मैं पहला गया था। मैं तेरा गुनहगार हूं। चल चल सुरेंद्र भाई के पास चलते, अगर आज मैंने पश्चाताप नहीं किया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, तो बाप से बेटियों का विश्वास उठ जाएगा। बेटी ताऊ जी, राम राम। भैया तुम जानो तुम क्या कह रहे हो? देख भाई,
बेटे के प्यार के लालच में मुझसे ऐसी गलती हो गई। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, तू आरती का ब्याह अनिल की गैल कर दे। हाँ चाचा जी, ये सही कह रहे हैं, और मेरी बात मानो तो अश्वनी से रिश्ता तोड़ दो, वो तो पूरा परिवार ही बेकार है। और अनिल की तरफ देखो, मैं मानती हूँ वो काम से जी चुराता था, लेकिन था है नहीं। आज वो आरती के लिए कितनी मेहनत कितना संघर्ष कर रहा है, ये मैं आज आपको बता भी नहीं सकती। पर मैंने तो अनिल के पिता को बेइज्जत करके भगा दिया। यू के कर दिया? आरती को चाहने वाला लड़का फिर शायद ना मिले। चलो रोक लो उन्हें, मला लो उन्हें। अरे कैसे करनी सी काट रहा है? देखो मुझे जाने दो। अरे जाने की इतनी जल्दी क्या है, उस दिन की अधूरी मुलाकात को तो पूरी कर ले। मेरा रास्ता छोड़ दो, मैंने ये सब काम छोड़ दिए। मेरी तो खेलने कूदने की उम्र है, ला यू जेब का माल हमें दे दे, ले लो इसे। छोड़ छोड़ दो, मार उस पर देखा किसने, बहुत मारा मन। आपको फिर इकट्ठा करके दूँ।
वापस। सब कुछ खत्म हो गया अनिल, कुछ नहीं बचा अनिल, कुछ नहीं बचा। मौसा जी मैं घर छोड़ के आई हूँ मौसा जी, मुझे अपने साथ ले चलो मौसा जी, मैं आज से आपके साथ ही रहूंगी मौसा जी। आरती बेटे, आज भी हमारी नजर आवत तेरी वही इज्जत है जो पहले थी, आज भी हम दिल तक अपने परिवार की बहू बनाना चाहवा तने, पर बेटे इस तरह नहीं जिस तरह से तू अपने घर की मर्यादा लांघ कर आई है। मैं मानता हूँ कि आज सुरेंद्र मेरे तो नाराज है, पर इसका मतलब यो तो नहीं कि मैं अपनी गलत हरकत करके उस परिवार के कलंक लगा दूं। तू वापस लौट जा बेटे, तू वापस लौट जा बेटे, तू चली जा वापस। भाई साहब मुझे माफ कर दो, तुम दोनों के दिलों के बीच गलत फहमी की दीवार पैदा करने वाला मैं ही हूँ। ये सब कुछ मेरे कारण हुआ जो इन बालकों को भुगतना पड़ रहा, और आप दोनों परिवारों में फूट पड़ गई। मुझे माफ कर दो भाई साहब, मुझे माफ कर दो। हाँ भाई साहब मुझे माफ कर दो, मेरी भूल हो गई, मैं सच्चाई को नहीं समझ पाया, बहकाए में आ गया था। मौसा जी हमसे गलती हुई है जो हम आपकी सही बात को भी गलत मान बैठे, और हम मानते हैं हमसे गलती हुई है और हम इसके प्रायश्चित के लिए तैयार हैं। हाँ पिताजी, इन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है, अब आप भी मान जाइए। बेटे मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो बहुत पहले से तैयार हूँ। अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो वो भगवान नहीं हो जाएगा, मुझे कोई गिला सिखवा नहीं चाहिए साहब। आ बेटे सच जहाँ का मोती हो वही तो पिरोया जाएगा। अब तू जाके नहा लिए। बेटे जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है वो, जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है वो, जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है